सबसे महिला कभी भी महिलाओं का सम्मान नहीं होता। जब पिछले बार रघुवर दास जी थे हम लोग का मुख्यमंत्री जी, उस समय हम महिलाओं का मान सम्मान दिया गया। महिलाओं का विरोधी सरकार है, ठगने के लिए दे रहा है 1,000। भाजपा आप लोग के लिए घोषणा की गई 2100 रुपए, अगर उनकी सरकार बनती है 2100 रुपए प्रत्येक महीने देंगे आप लोगों के लिए। ऐसा योजना बढ़िया है? ना योजना बढ़िया नहीं। क्या चाहिए आप लोगों को? रोजगार चाहिए या पैसा चाहिए? रोजगार चाहिए। आज आप लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र जारी की है, अगर हमारी सरकार बनती है तो महिलाओं को 2100 रुपए प्रत्येक महीने देंगे। महिला इससे खुश है? इस बार महिला किसके पक्ष में वोट करेगी? इस बार हम लोग विधायक सभा में किसको चुनने वाले? कुशवंत दास या मनोज चंद्र? कुशवंत दास। सरकार भी महिलाओं को 1000 रुपए प्रत्येक महीने दे रही है। वोट लेने का घर में बैठी महिला लोग हैं, उन लोग का प्रलोभन दे रहे हैं 1000 रुपए, और जो मेहनत हम लोग काम कर रहे हैं उसका मानदेय कभी नहीं बढ़ाने का। हम लोग मानदेय बढ़ाने के लिए उनका द्वार ही पर गए। किस विभाग में आप काम करते हैं? किस विभाग में? महिलाओं के लिए क्या जरूरी है? रोजगार जरूरी है या फिर पैसे जरूरी है? चुनाव का समय आ गया, 2 महीना पहले महिला सम्मान योजना का लागू कर दिया, ताकि महिला सम्मान योजना हम 1000 रुपए देंगे सारा महिलाओं को। नहीं हो सकता। इस बार आप लोग सुमेरिया में विधायक तौर पर किनको चुनने वाले? उज्जवल दास या मनोज चंद्र? उज्जवल दास। क्या आप लोग उज्जवल दास को चुनना चाहते हैं? मनोज चंद्र भी युवा है, पढ़े लिखे हैं, वो भी महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। उनकी जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी ने महिलाओं को महिला सम्मान योजना के तहत 1000 प्रत्येक महीना दे भी रहे हैं। आज के कार्यक्रम से जिस पार्टी से आ रहे हैं वो ठग पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। और मनोज चंद्रा जिला के महामंत्री जो भी है, लेकिन उसका पार्टी गलत है। क्यों चाहते हैं बीजेपी की सरकार? क्या ऐसा बीजेपी की सरकार में जिसे आप लोग सुरक्षित महसूस करते हैं? फिर क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप लोग बीजेपी की सरकार से? महिला को आगे लाने के लिए बीजेपी का ही हाथ था और आगे भी रहेगा। क्या आप भाजपा के पक्ष में? क्या ऐसा खास है भाजपा में? क्योंकि भाजपा का प्रति इसलिए हम लोग महिलाओं को सम्मान मिला है, अपमान नहीं मिला है। क्या लगता है इस बार सुमेरिया विधानसभा में महिला किनको चुनने वाली है? मनोज चंद्र या उज्जवल दास? जोहार, मौजूद हम सुमेरिया में। आपको बता दें जहाँ पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह सभा को संबोधित कर रहे हैं, सिमरिया विधानसभा में पहले चरण 13 नवम्बर को जनता अपने मत का प्रयोग करेगी। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पंचायत एक घोषणा पत्र जारी किया गया है, जिसमें महिलाओं को लेकर के एक विशेष तरह का जोर है। महिलाओं का सम्मान के लिए भाजपा घोषणा पत्र जारी की, अगर हमारी सरकार बनती तो महिलाओं को 2100 रुपए चुना देंगे। यहाँ पे सभा में कुछ महिलाएं मौजूद है, इनसे हम बातचीत करते हैं। महिलाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया गया, उससे महिलाओं में कितना उत्साह है। और वर्तमान सरकार की तरफ से भी महिला सम्मान योजना की तरफ से 1000 रुपए प्रत्येक महीने महिलाओं को दिया जा रहा है, उससे उनका कितना लाभ हो रहा है? बिहार में किसकी सरकार चाहते हैं? सिमरिया विधानसभा से विधायक को चुनने वाले सब कुछ यहाँ से महिलाओं से बात करके पता करेंगे। जिसमें आप लोग के लिए घोषणा की गई 2100 रुपए, अगर उनकी सरकार बनती है तो 2100 रुपए प्रत्येक महीने देंगे आप लोगों के लिए। ऐसा योजना बढ़िया है? ना योजना बढ़िया नहीं। क्या चाहिए आप लोगों को? रोजगार चाहिए या पैसा चाहिए? रोजगार चाहिए। इस बार आप लोग किसको वोट करने वाले? भाजपा को ही देंगे। क्या आप लोग भाजपा को वोट? क्योंकि भाजपा महिला के लिए जागरूकता किया, आजीविका को बढ़ाया है, संगठन लाया, JSLPS को भी लाया है, भाजपा का ही लाया है। इस बार आप लोग सुमेरिया में विधायक सभा में किसको चुनने वाले? उज्जवल दास या मनोज चंद्र? उज्जवल दास। उज्जवल दास। इस बार आप लोग महिला किसकी सरकार देखना चाहते हैं राज्य में? भाजपा की या फिर जेएमएम कांग्रेस? भाजपा की। भाजपा। आज आप लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र जारी की है, अगर हमारी सरकार बनती है तो महिलाओं को 2100 रुपए प्रत्येक महीने देंगे। महिला इससे खुश है? इस बार महिला किसके पक्ष में वोट करेगी? बीजेपी। क्या आप लोग बीजेपी के पक्ष में वोट कीजिए? क्या आप लोग बीजेपी के पक्ष में वोट कीजिए? महिला के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। वर्तमान सरकार भी महिलाओं को 1000 रुपए प्रत्येक महीने दे रही है। वोट लेने का तरीका आपको अभी इसका लाभ मिल रहा होगा? ऐसा नहीं मिल रहा तुम्हें? आपने आवेदन नहीं किया था? तो आगे महिलाओं के लिए क्या जरूरी है? रोजगार जरूरी है या फिर पैसे जरूरी है? रोजगार जरूरी है। क्या आप लोग भाजपा से एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर भाजपा की सरकार बनती है आप लोगों को रोजगार को लेकर सुनिश्चित किया जाए?
इस बार आप लोग सुमेरिया में विधायक के तौर पर किनको चुनने वाले? उज्जवल दास या मनोज चंद्र? उज्जवल दास। तो आप लोग उज्जवल दास को चुनना चाहते हैं? मनोज चंद्र भी युवा है, पढ़े लिखे हैं। उज्जवल दास करेंगे, महिला के लिए बहुत कुछ करेंगे। कल्पना सोरेन कहते हैं कि महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत 1,000 रुपया दिया जा रहा है, महिलाओं को इससे सम्मान मिल रहा है, इससे महिलाओं को हेल्प हो रहा है। क्या आप लोगों को वाकई में हेल्प हो रहा है 1,000 रुपए से? नहीं हेल्प हो रहा है। इस पर महिला राज्य में किसकी सरकार चाहती है? बीजेपी की, चेयरमैन कांग्रेस की, बीजेपी की सरकार क्यों चाहते हैं? बीजेपी की सरकार क्या ऐसा बीजेपी की सरकार में जिससे आप लोग सुरक्षित महसूस करते हैं? फिर क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप लोग बीजेपी की सरकार से? महिला को आगे लाने के लिए बीजेपी का ही हाथ था और आगे भी रहेगा, इसलिए आप लोग बीजेपी को इसलिए वोट करना चाहते हैं क्योंकि महिला को जागरूक करने का काम कर रही है, आगे बढ़ाने का काम कर रही है, इसलिए आप लोग बीजेपी की सरकार चाहते हैं। हमारे साथ चाची जी जुड़ गए, इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है चाची आपका? मेरा नाम रीता देवी। क्या लगता है इस बार सिमरिया विधानसभा में क्या माहौल है? महिला किसके पक्ष में मतदान करने वाली? उज्जवल दास जी का। उज्जवल दास जी आने आप लोग भाजपा के पक्ष में इस बार मतदान करने वाले? आने इस बार आप लोग भाजपा के पक्ष में मतदान करने वाले? जी हाँ। क्या आप लोग भाजपा के पक्ष में, क्या ऐसा खास है भाजपा में? क्योंकि भाजपा का प्रति इसलिए हम लोग महिलाओं को सम्मान मिला है, अपमान नहीं मिला है। हेमंत सोरेन भी कह रहे हैं महिलाओं को सम्मान योजना का 1,000 जो महिला हम लोग अपना रोजगार में जुड़े हुए हैं उसका तो वेतन तो बढ़ावे नहीं कर रहे हैं। क्या किस रोजगार में? घर में बैठी महिला लोग है उन लोग का प्रलोभन दे रहे हैं 1,000 रुपया, और जो मेहनत हम लोग काम कर रहे हैं उसका मानदेय कभी नहीं बढ़ाने का, हम लोग मानदेय बढ़ाने के लिए उनका द्वार ही पर गए। किस विभाग में आप काम करते हैं? किस विभाग में? क्या सैलरी है? मात्र 1,500 रुपया। 1,500 रुपया तो क्या हेमंत सोरेन ने आप लोग को आश्वासन दिया था कि आप लोग का सैलरी बढ़ेगा? लेकिन अभी तो कोई नहीं है, और हम लोग को शुरू से ही भाजपा हम लोग का मान सम्मान दे रहा है, कुछ दे रहा है चाहे नहीं दे रहा, मान सम्मान हर समय मिल रहा है। और ये आश्वासन नहीं दे रहा है कि गोगो दीदी आ रहा है तो फलना दीदी आ रहा है, अगर आज वो भारतीय जनता पार्टी गोगो दीदी का नियोजन किए हैं इसी तरह से नरेंद्र मोदी अगर 2,000 रुपया का पीएम किसान किए तो आ रहा है, हम लोग को विश्वास है भारतीय जनता पार्टी पर। उसके बाद क्या उसको बोलते हैं जेएमएम का पार्टी पर विश्वास नहीं। आप बताइए कि महिलाओं को क्या जरूरी है? आप रोजगार कर रहे हैं, आप जेएसएलपीएस में काम करते हैं, आपको बतौर 1,500 रुपए सैलरी मिलती है, तो क्या जरूरी है? महिलाओं को रोजगार जरूरी है या महिलाओं को जागरूक करने की जरूरत है या फिर महिलाओं का जो शिक्षा स्तर है उसको बढ़ाने की जरूरत है? महिलाओं जागरूक नहीं होगी तब तक कोई रोजगार नहीं करेगी, ठीक है? महिलाओं को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, प्लस रोजगार से भी जोड़ने का काम कर रहे हैं हम लोग। रोजगार से जोड़ने सबसे पहले आप कभी भी महिलाओं का सम्मान नहीं किया। जब पिछले बार रघुवर दास जी थे हम लोग का मुख्यमंत्री जी, उस समय हम महिलाओं का मान सम्मान दिया गया, महिलाओं का हर योजना में महिलाओं का नाम आया, हर योजना में महिलाओं का नाम आया। मेरा सवाल ये था कि क्या महिला हेमंत सोरेन की सरकार में असुरक्षित महसूस कर रही है? जी हाँ, सुरक्षित नहीं है। 1,000 दिखा के इतना दिन से मैया सम्मान योजना 5 साल हो रहे हैं मुख्यमंत्री में, 5 साल से मैया सम्मान योजना क्यों नहीं लाए? 2 महीना में जब आ गया मतलब चुनाव का समय आ गया, 2 महीना पहले मैया सम्मान योजना का लागू कर दिए, महिला सम्मान योजना 1,000 रुपया देके सारा महिलाओं को नहीं हो सकता। महिला इस बार किसकी सरकार चाह रही है? बीजेपी, जेएमएम, कांग्रेस, बीजेपी क्यों चाहती है? महिला आपने कहा कि रोजगार की बात की, झारखंड सुरक्षित, झारखंड सुरक्षित। आप यहाँ पे किनको सुनने आए हैं? हम लोग अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए आए हैं। क्या है लक्ष्य आप लोग? जैसे देखिए हम लोग महिलाएं जो है पूरे झारखंड में, पूरे झारखंड लेवल में हम लोग जिस केस का काम करते हैं, तो हम लोग 2018 से काम कर रहे हैं और 4 साल हम लोग बिना पैसा का काम किए, जैसे ये गेम एपीएस बिना पैसा का काम किए हैं। और अभी जब हम लोग गए थे वहाँ रांची गए थे मानदेय बढ़ाने का बोलने का, तो वो आश्वासन दिए कि दुर्गा पूजा के बाद बैठक होगा, कैबिनेट बैठक होगा, उसमें बात को रखा जाएगा, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं लिए और उसी में हम लोग ज्यादा दुखी है। और एक चीज और कहना चाहूंगी, जैसे देखिए
पहले हमारा भाई बाप भाई बंधु अगर जाते थे बाहर काम करने के लिए, आज किसी कारण बस अगर मृत्यु हो जाता था तो बाहर से लाश नहीं आती थी। जब से मोदी सरकार बने हैं तब से कम दर्जियों को लाश प्राप्त हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे गर्भवती महिला है वो सब के लिए जब ड्रेवरी के वक्त होता है तो उस समय फोन कीजिए 108 नंबर पर तो हॉस्पिटल सुरक्षित पहुंचाया जाता है। इस बार सिमरिया की महिला किसकी सरकार चाहती है, बीजेपी की, जेएनयू, कांग्रेस की, क्या मुद्दे होंगे वोट करने के? यही मुद्दा है, जैसे केस पर काम कर रहे हैं सैलरी नहीं मानते नहीं मिल रही है। इस बार हम लोग महिला विधायक के तौर पर तुमको चुनने वाले उज्जवल दास, मनोज चंद्रा जी को हेलीकॉप्टर साथ विजय बनाने का उज्जवल दास को उज्जवल दास को चुने उज्जवल दास को। क्या नाम है चाची आपका? मेरा नाम संजू देवी है। क्या नाम बताए? संजू देवी। संजू देवी, क्या लगता है इस बार सिमरिया विधानसभा में महिला किनको चुनने वाली है, मनोज चंद्रा या उज्जवल दास? उज्जवल दास। क्या आप लोग उज्जवल दास को चुनना चाहते हैं? मनोज चंद्रा भी युवा है, पढ़े लिखे हैं, वो भी महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, उनकी जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी ने महिलाओं को महिला सम्मान योजना के तहत 1,000 रुपए प्रत्येक महिला दे भी रहे हैं। आज के कार्यक्रम जिस पार्टी से आ रहे हैं वो ठग पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। और मनोज चंद्रा जिला के महामंत्री जो भी है लेकिन उसका पार्टी गलत है। मनोज चंद्रा व्यक्तिगत तौर पर अच्छे लेकिन उनकी पार्टी गलत है। आज के कार्यक्रम क्या लगता है इस बार महिला, इस बार सिमरिया की महिला इस बार किसकी सरकार चाहती है? बीजेपी की सरकार चाहती है। क्यों चाहते हैं वर्तमान सरकार में क्या लड़ा? बीजेपी महिला लोग का सम्मान दिया है, घर से बाहर निकाला है, बेटी माँ बेटी बचाने का काम किया है। हेमंत सोरेन भी तो कह रहा है महिलाओं को 1,000 रुपए दे रहे हैं। विरोधी सरकार है, ठकने के लिए दे रहा है 1,000। पहले 4 साल कहाँ था? आज महिलाओं को लेकर बीजेपी की मैनिफेस्टो आई है, उन्होंने कहा है कि झारखंड की महिलाओं से कि अगर हमारी सरकार बनती है तो गोमती योजना के तहत 2100 रुपए प्रत्येक महीने देंगे। ये भी तो चुनावी प्रलोभन है कुछ लोग। ये प्रलोभन नहीं है, हमारे मोदी जी जो कहे हैं वो कर दिखाए हैं, ठीक है। मोदी जी का एक बात रहता है जो सच्चाई है। लेकिन चाचू कुछ लोग तो कहेंगे कि अगर हमारी सरकार दे रही है तो इन लोग कहते प्रलोभन है, तो बीजेपी वाले देते हैं तो कहते हैं नरेंद्र मोदी का सपना है। नहीं, कोई प्रलोभन नहीं है, गोमती दीदी योजना का अगर तो मिले पूर्ण विश्वास है। अरे देना है तो कुछ ज्यादा देता है, मांगने जैसा क्यों दे रहा? क्या जरूरी है महिलाओं को पैसा जरूरी है? हम पार्टी इधर से छोड़ के बात करते हैं, बीजेपी की नहीं बात करेंगे, जेएमएम की बात नहीं करेंगे। क्या जरूरी है रोजगार जरूरी है या क्या जरूरी है? रोजगार की जरूरत है, बीजेपी की सरकार पर तो आप लोग की मांग रहे रोजगार को लेकर। रोजगार एनडीए प्रत्याशी ये जी सिमरिया के लोग अपने अपने राय दे रहे हैं, हम विकास के नाम पे वोट करेंगे, हमें पैसे की जरूरत नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम जेएसएलपीएस में पिछले 4 सालों 5 सालों से काम कर रहे हैं, हमारी मांगें नहीं बढ़ रही है। बाकी आप झारखंड वोट करने वाले हैं, बाकी आपके हमारा नाम है। शुक्रिया।